आलिया भट्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी एक्टिंग तो अच्छी है ही, लेकिन वो लोगों को भी भाई थिएटर तक बुला सकती है। इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्जांपल हमें कोविड के बाद मिल चुका है, जब कोई भी मूवी नहीं चल पा रही थी और उनकी गंगूबाई काठियावाड़ी आई और उसने 100 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन की और उसमें कोई भी बड़ा बोलते हैं ना कि हीरो नहीं था और उनकी ही सारी की सारी भूमिका थी, मेन एक्ट्रेस वही थी, मूवी के पोस्टर का फेस वही थी और उन्होंने ये करके दिखाया। अब वही एक्सपेक्टेशंस लगा के चल रहे हैं हम उनकी नई मूवी जिगरा के साथ। अब ये मूवी इतनी ज़्यादा स्पेशल क्यों है? देखो, सबसे पहली बात तो इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट लिया गया जो कि हमने नहीं देखा है। दूसरी बात, इस मूवी की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब देखो, ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हमें पता लग जाता है कि जो आलिया भट्ट है उनके पेरेंट्स नहीं है, उनका भाई ही सब कुछ है उनका। और फिर जब उनके पेरेंट्स चले गए तो उनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने उनके साथ क्या किया वो भाई थोड़ा बहुत बयान करती है और उसके कारण उनको क्या ट्रॉमा हो रखा है और वो किस किस चीज़ से गुजर चुके हैं ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये होती है कि उनके भाई को अब पकड़ लेती है पुलिस और वो जेल में है, और इंडियन जेल में नहीं है ये ऑब्वियस है। अब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो ये इसकी जो शूटिंग है वो सिंगापुर में हुई है, तो हो सकता है कि वहीं की जेल में ये दिखाया गया हो। तो अब उस जेल को ब्रेक करके अपने भाई को निकालना है। अब आलिया भट्ट को अपने भाई को निकालने की जल्दी इसलिए भी है क्योंकि वो मूवी में बोलते हुए सुनती हैं ट्रेलर में कि भाई ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हो सकता है कि उनको कोई ऐसी सज़ा मिली है जिसके कारण उनको भाई मार दिया जाएगा। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि रीज़न क्या रहता है, कि इतना स्ट्रांग रीज़न होना भी चाहिए ना कि भाई वो जेल तोड़ने पर आ गई है। और उनकी ट्रेनिंग भी दिखाई गई है थोड़ी बहुत, कि उनकी ट्रेनिंग हो रही है। अब मूवी का सबसे अच्छी चीज़ है कि उसका बैकग्राउंड म्यूजिक एक गाना लगाया गया है जो कि भाई एक भाई बहन को डेडिकेट कर रहा है, और मूवी में लिटरली जो वेदांत रैना जो उनके भाई बने हैं उन्हीं ने ये गाना गाया भी है। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस मूवी का एक ही रहेगा कि उनकी प्लानिंग कितनी दिखाई जाती है, कि एक जेल को तोड़ना कोई मजाक तो है नहीं, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, इतना ज़्यादा सब कुछ, भाई तामझाम होता है जेल के आसपास, तो उसको तोड़कर अंदर जाना, अपने भाई को निकालना, और निकाल भी पाती है कि नहीं ये तो मूवी में पता लगेगा। लेकिन वो सब करने में कितनी प्लानिंग, कितनी ट्रेनिंग लगती है, ये मूवी को बोलते हैं ना कि ऑथेंटिक बनाएगा। अब इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट पहले भी दिए हैं, मोनिका ओ माई डार्लिंग या फिर मर्द को दर्द नहीं होता, अच्छी मूवीज़ थी। ये मूवी भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। ये मूवी अक्टूबर में देखने को मिलेगी, पहले 27 सितंबर को आनी थी, लेकिन वहाँ पे देवारा आ रही है जूनियर एनटीआर की। अब ऐसा नहीं कि भाई डर के कारण स्लॉट छोड़ा गया, दोनों मूवीज़ को धर्मा प्रोडक्शन ही भाई मतलब बैक कर रही है, तो उसके कारण दोनों मूवीज़ एक साथ ना आए तो आगे पीछे उनकी डेट्स को किया गया है। देखते हैं बाकी कितनी मूवी ये इंटरेस्टिंग रहती है, इसके बारे में अगर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ये था इसका टीज़र ट्रेलर का रिव्यू, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ, जय भोले।